गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो टुडेज टॉपिक इज फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ रिपोज. यस्टरडे वी डिड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, आई होप यू रिमेंबर. आज मैं आपको सिखा रही हूँ एंगल ऑफ रिपोज क्या है. केयरफुली वीडियो देखेंगे, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी लेटर. आई रिपोज में बेटा बॉडी इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइन. अगर बॉडी एक इंक्लाइंड पे पड़ी है, यहाँ पड़ी है, समझो ये 3D फिगर है, ऊपर पड़ी है. जैसे ही आप इसे, जैसे ये इंक्लाइंड है, आप इसे ऐसे 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 ऊपर उठाते हैं, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे इट विल बिगिन टू स्लाइड डाउन. अगर आप इसे बिल्कुल सीधा रखते हैं, जैसे इस समय ये सीधा खड़ा है, लेकिन अगर मैं ये कार्डबोर्ड यहाँ से उठाना शुरू कर दूँ बेटा, राइट, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे इट विल बिगिन टू स्लाइड डाउन. दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है, हेयर से दिस इज एंगल थीटा. अल्फा रख लेती हूँ इसका नाम, मुझे लगता है मैंने कल भी थीटा रखा था. तो एंगल ऑफ रिपोज तो पहले क्या है, इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वेयर बॉडी बिगिन्स टू स्लाइड डाउन. कितने एंगल पे बॉडी नीचे जाना शुरू कर देगी, दैट विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. मान लो आपने यहां एक बॉडी रखी जिसका मास है m, ठीक है, इसका वेट हमेशा कहा जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट जाएगा ऐसे नीचे mg. अब वेट आपको पता है एक फोर्स है, इसको दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ध्यान देंगे बड़ा, एक फोर्स यहाँ जाएगा, एक फोर्स यहाँ जाएगा, ठीक है. अगर ये एंगल अल्फा है बच्चों, ये ट्रायंगल दिख रहा है इधर वाला, ये 90 होगा. अगर ये 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा है. चेक करो, तीनों 180 हैं, ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 है. अगर ये अल्फा तो बचा हुआ 90 है माइनस अल्फा है. अब ये 90 है बेटा, उसमें से ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये कितना हो गया अल्फा. डू यू एग्री विद मी कि दिस एंगल इज अल्फा. सी टू इट वेरी केयरफुली. अब ये जो वेट नीचे जा रहा है mg, तो ये एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो गया, mg cos अल्फा, और ये परपेंडिकुलर वाला हो गया mg sin अल्फा, राइट. तो आई हैव डिवाइडेड द टू कॉम्पोनेंट्स mg इन mg cos अल्फा एंड mg sin अल्फा. अब चलो, आई सेड इन द डेफिनेशन इट इज द एंगल एट विच बॉडी बिगिन टू स्लाइड डाउन. यानी बॉडी का मोशन कहाँ हो रहा है बेटा, नीचे. मोशन इज डाउनवर्ड. चलती हुई बॉडी नीचे आ रही है, अगर चलती हुई नीचे आ रही तो फ्रिक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर. यानी फ्रिक्शन इज दिस वे. कल आपको याद है मैंने बताया था नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन यहाँ जा रहा है बच्चा पार्टी, तो नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, राइट. लुक एट द पिक्चर वेरी केयरफुली. अब आप समझ गए होंगे, पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई ड्रॉ इट अगेन सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड. दिस इज एन इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा. हेयर दिस इज m. वेट ऑफ दिस बॉडी इज mg. दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 माइनस अल्फा. तो अगर ये एंगल आप देखते हैं, दिस इज अगेन अल्फा. इफ दिस इज mg, दिस इज mg cos अल्फा एंड दिस इज mg sin अल्फा. अ बॉडी बिगिन टू स्लाइड डाउन, इसका मोशन नीचे की डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा. और अगर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू इट लगेगा, राइट. यानी अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नहीं हिल रही, तो फ्रिक्शन को किसने बैलेंस किया है,